सो हियर इट इज़ माई 90-डे यूरोपियन वीज़ा। आज ही मिला है मुझे मेरा पांचवा स्टिकर यूरोपियन वीज़ा, और ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं है इस बार। फर्स्ट टाइम है कि 4 बार मुझे टूरिस्ट वीज़ा मिले थे, लेकिन इस बार मुझे मिला है फैमिली विजिटिंग वीज़ा। तो बहुत जल्दी यूरोप की ट्रिप चालू होने वाली, और कौन सी कंट्री में चालू होने वाली आपको आने वाले वीडियोस में पता चल ही जाएगा। लेकिन आज बात करते हैं ऐसे वीज़ा के बारे में जो टूरिस्ट वीज़ा नहीं है। टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं पास्ट में, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में और सारे प्रोसेस के बारे में। लेकिन टूरिस्ट वीज़ा के अलावा यूरोप जाना हो तो कौन से वीज़ा होते हैं, आज उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। ये वीज़ा जो मिला है मुझे वो विजिटिंग फैमिली फ्रेंड वीज़ा की कैटेगरी वाला मिला है, और ये इसलिए मिला है क्योंकि मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यूरोप में, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया वहाँ आने के लिए। और मैक्सिमम ड्यूरेशन किसी भी वीज़ा की जो रहती है यूरोप में वो 90 डेज़ ही होती है। तो ये 90 डेज़ का मैक्सिमम ड्यूरेशन का वीज़ा है, जिसकी वैलिडिटी चालू होती है 19 अप्रैल से, एंड दैट विल गो टिल 17th of July। सो फुल 90 डे का वीज़ा है, इससे ज़्यादा आप रह नहीं सकते शेंगेन एरिया में या यूरोप के किसी भी पार्ट में। अधिकतर कंट्री का रूल वही होता है कि 180 डेज़ में आप 90 डेज़ से ज़्यादा वहाँ रह नहीं सकते। शॉर्ट टर्म वीज़ा की ये कंडीशन होती है यूरोप में, और अदरवाइज़ अगर आपके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है तो फिर आप ज़रूर रह सकते हैं। अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है या डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा है, जो आगे वीडियो में बात करेंगे, तो आप रह सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आप 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकते 6 मंथ्स के पीरियड में यूरोप में। तो क्या होता है विजिटिंग फैमिली फ्रेंड वीज़ा, कौन आपको इनवाइट कर सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उस पर, और इस वीज़ा पे अगर आप जाते हैं तो क्या क्या कंडीशन आपको फॉलो करनी पड़ती है, आपका होस्ट उसकी लायबिलिटी क्या होती है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीज़ा का नाम ही होता है विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड वीज़ा, मतलब इसका मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि आपका हस्बैंड, पेरेंट्स, वाइफ, स्पाउस, यही सब लोग आपको बुला रहे हैं। आपके मामा, चाचा, ताऊ, कोई भी आपको बुला सकता है यूरोप में, और इवन आपके फ्रेंड्स भी बुला सकते हैं आपको यूरोप में उनके साथ स्टे करने के लिए, उनके साथ घूमने के लिए। और यही इस वीज़ा का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि इफ़ यू नो समवन इन यूरोप, दे कैन इनवाइट यू टू स्टे विद देम फॉर मैक्सिमम 90 डेज़। लेकिन इस वीज़ा का लोग मिसयूज़ भी करते हैं। किसी ने इनवाइट किया और यूरोप पहुँच गए, और अगर आप वापस नहीं आते तो जो आपका होस्ट है उसकी लाइबिलिटी होती है। उसको वहाँ पर लेटर ऑफ गारंटी देना पड़ता है, मैक्सिमम कंट्रीज़ में फॉर्म भरने पड़ते हैं वहाँ की म्यूनसिपलिटी के साथ, और अपने साइन करने पड़ते हैं कि जिसको मैं इनवाइट कर रहा हूँ वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ रहा है, और वो ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा के बाद वापस इंडिया लौट जाएगा। तो इस वीज़ा के लिए आपके जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे वो 18-20 डॉक्यूमेंट्स वो तो लगेंगे ही सही, लेकिन होस्ट के 6 डॉक्यूमेंट्स भी लगते हैं, और तभी वो आपको इन्वाइट कर सकता है। उसमें उसका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, बिजनेस प्रूफ दिखाना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कि मैं इनको इनवाइट कर रहा हूँ, मेरे पास घर है, घर का प्रूफ दिखाना पड़ता है, उसको अपने रेसिडेंट परमिट का प्रूफ दिखाना पड़ता है। वो ओवरऑल 6 से 7 डॉक्यूमेंट्स उसको दिखाने ही पड़ते हैं अगर वो आपको इन्वाइट कर रहा है तो। अब इसमें जैसे बताया फ्रेंड्स भी इन्वाइट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम फ्रेंड उठ के आपको इन्वाइट कर रहा है। आपको उसको कवर लेटर में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप कैसे इसको जानते हैं, क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप प्रूफ भी दिखाने पड़ते हैं, फ़ोटोज़ भी दिखाने पड़ते हैं। अगर आपके पास रिलेशनशिप प्रूफ नहीं है, लेट्स से फियांसे से मिलने जा रहे हैं जो वहाँ रहता है, तो उसके लिए भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तभी एम्बेसी सेटिस्फाई होती है कि हाँ यू नीड टू मीट दिस पीपल। तो इस वाले वीज़ा में काफ़ी चांस है कि एम्बेसी आपसे क्वेश्चंस पूछे, हो सकता है वो आपका रिलेशनशिप विद द होस्ट प्रूव करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे आपसे, या अगर आप बोल रहे हैं कि मेरा फियांसे इनवाइट कर रहा है, मेरा फ्रेंड इनवाइट कर रहा है, तो हो सकता है एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स आपसे आपके होस्ट से भी मांग सकते हैं। अभी रिसेंटली हुआ, किसी ने बोला कि मेरा हस्बैंड क्रोएशिया रहता है, मुझे जाना है मिलने के लिए, तो उसके लिए तो इनफैक्ट वहाँ के जो इमिग्रेशन ऑफिसर थे वो हस्बैंड के पास देखने गए कि वो रहते कहाँ पर हैं, काम क्या करते हैं। उससे जब वो सेटिस्फाई हो गए फिर वाइफ़ को वीज़ा दिया कि हाँ अब आप जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए। तो अलग अलग टाइप के केस होते हैं, अलग सिचुएशन होती है, तो हो सकता है एम्बेसी इंडिया में भी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, या फिर आपका जो होस्ट है यूरोप में उससे भी कुछ क्वेश्चन पूछे। इस वीज़ा में जैसे मेरी वाइफ एम्प्लॉयड है तो उससे पूछा, उसका एम्बेसी से कॉल आया था उसके पास कि आप 90 डेज़ के लिए जा रहे हैं, हाउ विल यू मैनेज योर वर्क फॉर 90 डेज़। तो फिर हमने कैसे उसको अरेंज किया, अगर आप जानना चाहते हैं जस्ट राइट अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू कि कैसे फिर इतना लंबा ड्यूरेशन का वीज़ा उनको एम्बेसी को एक्सप्लेन किया, क्या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स दिए। तो पॉइंट ये है कि एम्बेसी इसमें पूछ सकती है क्वेश्चंस, तो आप प्रिपेयर्ड रहें
हो सकता है आप इनविटेशन लेके जा रहे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शॉर्ट टर्म में अगली कैटेगरी का जो वीज़ा होता है वो होता है बिजनेस वीज़ा, और बिजनेस वीज़ा भी काफ़ी कॉमन है। इंडिया से कोई बिजनेस के लिए यूरोप जा रहा है तो इसी कैटेगरी में आता है वो। और इसका फ़ायदा ये है कि 75% जिस भी लोगों का हमने अप्लाई किया उनको ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का बिजनेस वीज़ा मिला है, तो वो मल्टीपल ट्रिप्स भी कर सकते हैं यूरोप में इसके बेसिस पर। अब उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, मेन तो ये है कि आपकी कंपनी आपको भेजना चाहिए, लाइक यू आर एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, उसको वहाँ पे आपको मीटिंग है, कॉन्फ्रेंस है यूरोप में, तो इसलिए आपकी कंपनी आपको भेज रही है, या आपकी खुद की कंपनी है। अभी रिसेंट केस हमने अप्लाई किया जिसका एक फर्नीचर का बिजनेस था, उसको यूरोप में जाना था फर्नीचर कॉन्फ्रेंस के लिए, और उसका बिजनेस वीज़ा अप्लाई किया, उसको 6 मंथ्स के लिए मिला। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी कंपनी आपको भेज रही है फॉर बिजनेस पर्पज़ टू यूरोपियन कंट्री, या फिर आपका खुद का बिजनेस है उसको एक्सपेंड करने के लिए आप मीटिंग करना चाहते हैं और लोगों से यूरोप में, सो दिस फॉल्स अंडर बिजनेस वीज़ा कैटेगरी। फिर शॉर्ट टर्म में एक कैटेगरी और होती है, उसका नाम है स्पोर्ट्स कल्चर रिलीजन कैटेगरी, और उसमें भी एक ऑस्ट्रिया का स्पेशली मुझे 2 केस पता है, उनका अप्लाई किया था, दोनों लॉयर थे, इंडिया में जिस कॉलेज में वो पढ़ रहे थे उनका कॉलेज उनको भेज रहा था इस कॉम्पिटिशन के लिए, और इस कॉम्पिटिशन में पूरी दुनिया से लॉयर्स आते थे, वो अपना केस प्रेजेंट करते थे, और काफ़ी अच्छा कॉम्पिटिशन मैंने ऑनलाइन देखा था इसके बारे में होता था। और दोनों जो थे ये फ्रेश वीज़ा था इनका, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ये जाना चाहते थे यूरोप, और ऑस्ट्रिया वैसे भी बहुत टफ था, तो इनसे अप्लाई तो किया था, काफ़ी सारे इनके क्यूरीज आए थे, कॉलेज के पास कॉल्स आए थे एम्बेसीज के, उसके बाद अप्रूव हुआ, लेकिन ये स्पेसिफिक केस मुझे पता है क्योंकि ये इनकी कैटेगरी थी, ये स्पोर्ट्स कैटेगरी। फिर शेंगेन वीज़ा की एक और कैटेगरी होती है, उसका नाम है जॉब सीकर वीज़ा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकग्राउंड है, आपके पास काफ़ी वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई कोई कंट्री है जो ये आपको अलाउ करती है, ना कि सारी शेंगेन कंट्रीज़ लाइक जर्मनी, स्वीडन, पोर्चुगल, और भी कंट्रीज़ हैं जो अलाउ करती है आपको जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करने के लिए। इस वीज़ा का एक्सेप्टेंस डिपेंड करता है आपकी डिग्री पे, कितनी स्ट्रांग आपकी डिग्री है, कितने साल का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, और जो आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है उसकी क्या उस कंट्री में डिमांड है। इस कैटेगरी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, जैसे कि आपका पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड, जो भी आपने डिग्री अभी तक ली है वो सब सबमिट करना पड़ता है, आपका सारा, आप अगर आपने 4 जगह जॉब किया है अलग अलग, सबका वहाँ पे सर्टिफिकेट लगेगा, इसमें आपका CV लगेगा, एक तो इंग्लिश लैंग्वेज में और एक उस कंट्री में जो लैंग्वेज चलती है उसमें, और इसके अलावा आपको अगर आप 3 महीने का ये वीज़ा अप्लाई करते हैं 3 महीने का अकोमोडेशन प्रूफ भी दिखाना पड़ता है। और इसमें ऐसा नहीं कि आप मैक्सिमम 3 मंथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप 6 मंथ्स और 1 ईयर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पूरे उस ड्यूरेशन का आपको कुछ अकोमोडेशन प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगली कैटेगरी है वीज़ा की ट्रांजिट वीज़ा। अगर आप किसी शेंगेन कंट्री से ट्रांजिट करना चाहते हैं, कैनेडा, US जा रहे हैं, या इवन UK भी जा रहे हैं, तो आजकल क्या होता है, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब दे नीड यू टू इधर हैव अ शेंगेन वीज़ा और अ शेंगेन ट्रांजिट वीज़ा, वरना वो अलाउ नहीं करते ट्रांजिट करने के लिए भी। अगर आप इवन इंटरनेशनल एरिया में भी हैं, और अगर आप एयर फ्रांस की फ़्लाइट ले रहे हैं लुफ्तांजा की, तो आपके पास शेंगेन वीज़ा होना ज़रूरी है या फिर ट्रांजिट वीज़ा होना ज़रूरी है। रिसेंटली आई थिंक 3-4 महीने पहले इन्होंने चेंज किया है, पहले तो लुफ्तांजा के थ्रू आप ट्रांजिट कर लेते थे US से आते हुए या कैनेडा जाते हुए, लेकिन अब उन्होंने कर दिया है कि आपके पास स्पेसिफिकली ट्रांजिट वीज़ा या शेंगेन वीज़ा होना चाहिए अगर आपको फ़्लाइट चेंज करनी है यूरोप में, और ये अगर 3-4 घंटे का ले ओवर है तब भी आपको ये ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। ज्यूरिक स्विस एयर ने अभी तक ये रूल नहीं लाया है, तो अगर आपका ज्यूरिक से ले ओवर है और अगर आपके पास शेंगेन वीज़ा भी नहीं है, ट्रांजिट वीज़ा भी नहीं है, तब भी आप स्विस एयरलाइन से ज्यूरिक में ले ओवर कर सकते हैं, जो जैसा मैंने किया था जब मैं सर्बिया गया था, बल्कन्स गया था, आते जाते हुए मेरे पास शेंगेन वीज़ा नहीं था लेकिन फिर भी ट्रांजिट में ज्यूरिक से कर पाया था। एक लास्ट कैटेगरी के बारे में और बात करते हैं, जिसका नाम है डिजिटल नोमैड वीज़ा। एक अलग से वीडियो बनाया था कोविड के बाद में, ये वीज़ा काफ़ी पॉपुलर हुआ था, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज ने अलाउ किया था कि आप आओ यहीं पर आके आपका कंप्यूटर फ़ोन लेके यहीं पर काम करो, हम आपको फैसिलिटी देंगे, और 1 साल तक का भी वीज़ा मिला था लोगों को उस टाइम, क्योंकि उस टाइम उनको टूरिस्ट नहीं आ रहे थे उनके पास, उनके जो भी Airbnbs थे, रेंटल अकोमोडेशन सब खाली पड़े थे, इसलिए उन्होंने ये डिजिटल नोमैड वीज़ा इंट्रोड्यूस किया था। 2 साल काफ़ी लोगों ने यूज़ भी किया था उसको, लेकिन अब ये ऑलमोस्ट बंद सा हो गया, ये मानो अब डिजिटल नोमैड वीज़ा ना कोई अप्लाई करता है और ना वो देते हैं। तो 2021 और 22 में ये वाला वीज़ा काफ़ी पॉपुलर हुआ था, बट नॉट इन 2024, नोबडी आस्क्ड फॉर दिस वीज़ा नाउ।
इसके अलावा लॉन्ग टर्म शेंगेन वीज़ा कैटेगरी की बात करें तो सबसे पॉपुलर है वर्क वीज़ा, जिसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा भी बोलते हैं, जिसके बेसिस पे आप यूरोप में जाके काम कर सकते हैं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई कंपनी वहाँ से वर्क परमिट भेजना चाहिए यूरोप से। अगर आपके पास वर्क परमिट होता है तो उसके बेसिस पे आप वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी मिनिमम ड्यूरेशन 2 साल होती है, 2 या 3 साल का मिलता ही है ये, और हर साल एक्सटेंड होता जाता है जब तक आपके पास जॉब रहती है यूरोप में। आप इंडिया से अगर डायरेक्ट वहाँ जाके काम करना चाहते हैं तो ये कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है वर्क वीज़ा, लेकिन बस ये है कि आपको कोई यूरोपियन कंपनी हायर करना चाहिए और आपको वर्क परमिट भेजना चाहिए आपके नाम पे। और लॉन्ग टर्म में एक वीज़ा और होता है, वो होता है डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा। अगर आपके हस्बैंड वहाँ काम कर रहे हैं और अगर आप उनके साथ, जैसे उनके पास 2 या 3 साल का ऑलरेडी वर्क वीज़ा या रेजिडेंट परमिट मिला हुआ है, तो आप उनके साथ रहना चाहते हैं, आप डिपेंडेंट है उस उन पे, तो इस पे डिपेंडेंट स्पाउस वीज़ा की कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको लॉन्ग टर्म वीज़ा, जितना आपका आपके हस्बैंड का वीज़ा की ड्यूरेशन होगी उतना ही आपको भी मिलेगा। तो ये सब थी कुछ कैटेगरी जो शेंगेन वीज़ा, अपन टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात करते थे। मुझे लगा कि आज इस वीडियो में जैसा मेरा विजिटिंग वीज़ा है तो दूसरी कैटेगरी के वीज़ा के बारे में बात भी करते हैं। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट हो मुझे पूछना। अगर आपको इनविटेशन या फिर विजिटिंग, अपने फैमिली को विज़िट करना है, फ्रेंड को विज़िट करना है, तो जस्ट अप्रोच मी, और एक तो कमेंट कर सकते हैं नीचे या डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। देयर आई एम क्विकली अवेलेबल फॉर यू। और बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो।